आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है, एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन पर आप क्या परीक्षण करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला वाला हमारा क्या है, इनका लेड नाइट्रेट हमारा क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसमें क्या मिलाएंगे, ये कैसा एक्वस है, ठीक है, जली है यानी कि, और जब इसमें पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और ये पोटेशियम आयोडाइड कैसा है, जलीय विलयन है, मतलब एक्वस है। तब यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, PbI2 और KNO3, PbI2 ठोस और साथ में KNO3। PbI2 क्या है, हमारा लेड आयोडाइड, ठीक है, और ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया ये हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो KNO3 बना है ये कैसा रहेगा, ये भी हमारा एक्वस ही रहेगा, ठीक है। अभिक्रिया जब बराबर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आई है, यहाँ दो आई है, तो यहाँ पर दो आई करने के लिए दो करोगे तो फिर यहाँ दो के हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन दो है, ठीक है। अभिक्रिया क्या होगी, बराबर होगी, तो ये चीज होता है, ठीक है। मतलब हमें क्या मिलता है, PbI2 लेड आयोडाइड का क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, चलिए दूसरे का उत्तर दे देते हैं। यह अभिक्रिया जो है वो अवक्षेपण है, क्या है, अवक्षेपण, इस अभिक्रिया का नाम। अवक्षेपण का मतलब क्या है, किसी ठोस पदार्थ का बनना, ठीक है। जैसे मतलब क्या होता है अवक्षेपण में, किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे ही अवक्षेप कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ हमें PbI2 का अवक्षेप मिला है। फिर कह रहा है यहाँ तीसरा, उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें, उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो तीसरा वाला जो पार्ट पूछ रहा है वो मैंने पहले ही पार्ट में कर दिया था, मतलब इनको बैलेंस इक्वेशन चाहिए, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, एक्वस है और साथ में 2KI एक्वस, ठीक है, मिल क्या रहा है यहाँ पर PbI2 सॉलिड है, साथ में यहाँ पर 2KNO3, ठीक, एक्वस है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ दो नाइट्रोजन, यहाँ एक लेड, यहाँ भी एक लेड, यहाँ दो आयोडीन, यहाँ दो पोटेशियम, वहाँ दो पोटेशियम, ठीक है। यहाँ 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 × 6 ऑक्सीजन, यानी कि अभिक्रिया संतुलित है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।